हेलो स्टूडेंट्स, अगस्त गुरुजी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टू ब्लॉसम्स। ये पोयम है, ये लिखी है रॉबर्ट हैरिक ने। ये पोयम जो है ये पर्सोनिफाइड है, ठीक है। इसमें तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच आइडिया और थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। किसी चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना, जिस तरह से अभी इसमें ब्लॉसम्स हैं, इसको बर्थ डेथ दीज आर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स तो इसको दिए हैं। ऐसा लगता है कि ये क्या है, ह्यूमन है। यहाँ पे पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, यानी कि ब्लॉसम्स इज पर्सोनिफाइड जो है वो मेंशन है। जिस तरह से इंसानों की बर्थ और डेथ होती है, इस इमेज में देख सकते हैं आप, ये फ्लावर्स हैं कितने खूबसूरत हैं, और यहाँ पे दूसरी साइड में ये मुरझा गए हैं। तो यही लाइफ की मतलब यही कहानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोइट जो है हमें बताते हैं कि एक ज़िंदगी की क्या किस्मत है, वो इस पोयम में बयान कर रहे हैं, ठीक है। ये हैं पोइट रॉबर्ट हैरिक, ठीक है। तो ये पैदा हुए थे चीपसाइड लंदन में। उन्होंने ग्रेजुएशन की 1617 में, और उन्होंने ज़्यादातर अपना वक़्त जो है वो लिरिक पोएम्स लिखने में इस्तेमाल किया, और वो प्रिंट की 1648 में, जिस बुक का टाइटल फिर हुआ बाद में रखा हेस्पराइड्स। और उनकी डेथ हुई 15 अक्टूबर 1674 में एट द एज ऑफ 83, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का वो है, ह्यूमन लाइफ इज ऑफन कंपेयर टू ब्लॉसम्स विच विदर अवे विद ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। इसमें जो ह्यूमन लाइफ है, इंसानी ज़िंदगी है, इसको कंपेयर किया है किसके साथ, ब्लॉसम्स के साथ, ठीक है, जो कि फूल हैं जो कि कुछ टाइम के बाद मुरझा जाते हैं। विदर अवे मीन्स मुरझा जाना, विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वी विश द ब्लॉसम्स टू स्टे लॉन्गर बट इट इज़ नॉट सो। हम ख्वाहिश करते हैं, हम दुआ करते हैं कि ये ब्लॉसम हैं ये ज़्यादा टाइम तक रहें और ये मुरझाएं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इस पोएम का टेक्स्ट है, फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री व्हाई डू ये फॉल सो फास्ट, योर डेट इज नॉट सो पास्ट बट यू मे स्टे येट हियर ए वाइल टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल एंड गो एट लास्ट। नेक्स्ट स्टेंजा है, व्हाट वर ये बॉर्न टू बी एन आर आर हाफ डिलाइट एंड सो टू बिड गुड नाइट, इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट ये फोर्थ मेयरली टू शो योर वर्थ एंड लूज यू क्वाइट। नेक्स्ट स्टंजा है, बट यू आर लवली लीव्स वेयर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड दाउ नेवर सो ब्रेव एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड लाइक यू ए वाइल दे ग्लाइड इन टू द ग्रेव, ठीक है। इस पोएम में क्या है, ट्रांजियंस ऑफ लाइफ जो है ये बताया है पोइट ने। तो फेयर प्लेजेस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री व्हाई डू ये फॉल सो फास्ट, योर डेट इज नॉट सो पास्ट बट यू मे स्टे येट हियर ए वाइल टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल एंड गो एट लास्ट।
हियर ये मीन्स यू, ये का मतलब क्या है, यू, ठीक है। तो पोइट देखता जब लवली ब्लॉसम को एक ट्री के, ठीक है, तो वो कहता है ही कॉल्स देम द फेयर प्लेजिस ऑफ ए फ्रूटफुल ट्री। तो वो देखता है कि ये जो ब्लॉसम्स हैं दे आर फॉलिंग फास्ट, वो जल्दी जल्दी नीचे गिर रहे हैं, मुरझा रहे हैं और गिर रहे हैं। ये पोइट को क्या करते हैं, दुख दे रहे हैं, पोइट जो है वो दुखी हो रहा है। अब वो ब्लॉसम्स को पूछता है कि वो इतने जल्दी क्यों गिर रहे हैं, यानी कि आप इतने जल्दी क्यों गिर रहे हो। अब पोइट फिर कहता है कि जो अलॉटेड टाइम था वो अभी पास नहीं हुआ है, योर डेट इज नॉट सो पास्ट, अभी जो टाइम था अभी वो बाकी था, सो आपको जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, आप थोड़ा और स्टे कीजिए, ठीक है, थोड़ा टाइम और रहिए। टू ब्लश एंड जेंटली स्माइल, अभी आप रहिए और स्माइल कीजिए और शगोफे मारिए, लेकिन एंड फिर उसके बाद एंड गो एट लास्ट, फिर उसके बाद आप जो है वो चले जाना, ठीक है। अब है व्हाट वर ये बॉर्न टू बी एन आर आर हाफ डिलाइट एंड सो टू बिड गुड नाइट, इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट ये फोर्थ मेरली टू शो यूर वर्थ एंड लूज यू क्वाइट। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहता है, अब पोइट जो है वो शॉक्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है, हैरान हो जाता है कि किस तरह से ये ब्लॉसम्स जो हैं एक दरख्त के ये विदर्ड हो रहे हैं, यानी कि फेड हो रहे हैं और गिर रहे हैं। वो हैरान है कि ये जो ब्लॉसम्स थे ये अभी अभी तो अपने मतलब फुल ब्लूम में थे और ऐसा लगता था कि अब वो मतलब ये रहेंगे, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ये क्या हो गए, ये मुरझा गए और गिर गए। अब इट वॉज पिटी नेचर ब्रॉट ये फोर्थ, कि ये नेचर जो थी इन्होंने इसको, नेचर ने इसको मतलब ब्लॉसम्स को क्या था, किया था, इतनी ब्यूटी दी थी और ये ब्यूटी जो है वो दिखाने के लिए। अब पोइट जो है यहाँ पे अपना दुख दर्द जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, दैट सच लवली थिंग्स एज ब्लॉसम्स हैव सो शॉर्ट ए लाइफ टू लिव, कि इतनी इतने खूबसूरत इतने प्यारे ब्लॉसम्स जो थे और इतनी इनकी कम लाइफ। इसमें पोइट जो है वो अपना दुख जो है वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। बट यू आर लवली लीव्स वेयर वी मे रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, दाउ नेवर सो ब्रेव एंड आफ्टर दे हैव शोन देयर प्राइड लाइक यू ए वाइल दे ग्लाइड इनटू द ग्रेव, ग्लाइड इनटू द ग्रेव मीन्स खत्म हो जाना, मर जाना, ठीक है। अब यहाँ पे पोइट जो है वो क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, लवली ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री टू द लीव्स ऑफ ए बुक, ठीक है। अब पोइट कहता है इन दिस लीव्स वी कैन रीड हाउ सून थिंग्स हैव देयर एंड, कि इन लीव्स में हम देख सकते हैं कि किस तरह से थिंग्स जो चीज़ों का एंड जो है वो किस तरह से होता है, कितने जल्दी मतलब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं,
मतलब ट्रांजियंस ऑफ लाइफ जो है इसमें पोइट ने इसमें बताया है इस पोयम में। अब पोइट जो है ट्राइब्यूट जो है वो पेश करते हैं सेइंग दैट नो अदर थिंग्स कैन एवर बी एज ब्राइट एंड कलरफुल एज द ब्लॉसम्स। अब पोइट बताते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो इतनी मतलब चमके इतनी कलरफुल हो जितना के ब्लॉसम्स। ठीक है, लेकिन तमाम जो खूबसूरत चीज़ें हैं इनकी एक ही क्या है फेट है, एक ही किस्मत है, वो क्या है आफ्टर दे हैव शोन दियर ब्यूटी, आफ्टर दे हैव शोन दियर प्राइड यानी कि ब्यूटी। ठीक है, तो उसके बाद लाइक यू ए वाइल दे ग्लाइड इन टू द ग्रेव यानी कि वो जब शो करते हैं क्या प्राइड अपनी ब्यूटी जब शो करते हैं थोड़ी टाइम के लिए फिर वो क्या करते हैं दे ग्लाइड इन टू द ग्रेव वो मतलब स्लाइटली वो फिसल जाते हैं ग्रेव की तरफ यानी कि मर जाते हैं मुरझा जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो लाइक द लवली ब्लॉसम्स ऑफ ए ट्री दे फॉल एंड विदर अवे फॉर एवर दस द पोइट ब्रिंग्स आउट द ट्रांजियंस ऑफ ऑल लाइफ ऑन दिस अर्थ। तो इस तरह से पोइट जो है ट्रांजियंस जो है वो लाते हैं बताते हैं कि किस तरह से ट्रांजियंस मीन्स शॉर्ट लाइफ जो है शॉर्ट स्पैन शॉर्ट टाइम किसकी ऑफ लाइफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ तमाम पूरी जिंदगी जो है इस ज़मीन पर उसकी ट्रांजियंस जो है वो इस तरह हमें बताते हैं कि किस तरह से ब्लॉसम्स जो हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए ब्लूम करते हैं मतलब अपने प्राइड में होते हैं फुल ब्यूटी में होते हैं और कुछ टाइम के बाद वो क्या कर जाते हैं विदर फेड अवे हो जाते हैं मुरझा जाते हैं और गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। आई होप ये पोएम आपको क्लियर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।